Me and my husband have been married for 9 months and there is no communication or intimacy. I feel he never wants to initiate anything related to intimacy and I really need his attention and touch. We have sex hardly once in 2 to 3 months. I want to know how we can connect and communicate better. लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में कई बार कपल्स इंटीमेसी को लेके वो जो पैशन वो जो इंटरेस्ट होता है ना उसे खो देते हैं एंड वन ऑफ द रीजंस इज लैक ऑफ कम्युनिकेशन. रियल लाइफ में ना सेक्स पॉर्न और मूवीज की तरह नहीं होती है, वहाँ पे नॉन वर्बल इंटीमेसी दिखाई जाती है, पर हकीकत में एक अच्छी इंटीमेसी के लिए आपको बात करना ज़रूरी है. और सेक्स करने से ज़्यादा डिफिकल्ट पता है क्या है? सेक्स के बारे में बात करना. पर एक अच्छा सेक्सुअल कनेक्शन चाहिए तो कम्युनिकेट एंड आस्क क्वेश्चंस. आई मीन क्वेश्चन मार्क इज सच अ सेक्सी पंक्चुएशन, इट लुक्स लाइक अ ईयर लोब रेडी टू बी निबल्ड. सो आस्क क्वेश्चंस एंड यू आस्क सम क्वेश्चंस फॉर बेटर सेक्स. व्हाट गुड सेक्स मीन्स टू यू, व्हाट काइंड ऑफ सेक्स इज योर फेवरेट सेक्स. जैसे आप किसी को पूछते हो ना, ए तेरा फेवरेट कलर क्या है, तेरा फेवरेट खाना क्या है, बिल्कुल वैसे ही. व्हाट आर योर डीपेस्ट फैंटेसीज, हाउ कैन आई बेटर प्लीज यू. Are there any limitations, boundaries which I need to know about? There could be follow-up questions like, okay, tell me more. इससे क्या होगा? आप एक दूसरे को जानने लग जाओगे, जिससे आपकी understanding better होगी, जिससे आपकी intimacy better होगी. ये छोटी छोटी चीज़ें हैं यार, इस पर ध्यान दिया करो, यही तो है सब.